यहाँ यहाँ खड़े हो जाइए। जैसा आप सब जानते हैं कि जिसने ओपी ग्रुप ज्वाइन किया है वो सिलेक्ट होके ही जाएगा। जिसने इस ग्राउंड की मिट्टी को टच किया है सर के आशीर्वाद से वो फाइनल मार के ही आएगा। मैंने भी कल ट्रायल दिया था, जितने भी ओपी ग्रुप वाले थे सब ने क्लियर किया, कोई ऐसा नहीं रहा कि जो डिस्क्वालीफाई हुआ वहाँ से। सबसे पहली चीज कि सर के जो इंस्ट्रक्शन है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने सर के इंस्ट्रक्शन, वो किसी भी हो, जेल प्रहरी में हो, SI में हो, RPF में हो, किसी भी ब्रांच में हो, किसी भी स्टेट मतलब कॉम्पिटिशन से हो, लेकिन अगर उनके इंस्ट्रक्शन फॉलो किए तो आप कहीं भी किसी भी कंपटीशन में रुकोगे नहीं। पहली चीज कि आप लोगों ने जैसे कि सर ने बताया कि जो भी 800 मीटर मारते हैं 1600 मीटर मारते हैं, हमें 800 मीटर का नॉलेज है, तो 800 मीटर में सर ने जो स्टार्टअप दिया है कि 30 मीटर स्टार्ट लेना है आपको, फिर मेंटेन करके चलना और फाइनल फिनिशिंग मारना है। कि अब नहीं दौड़ पाऊंगा मैं, अब दो राउंड नहीं हो पाऊंगा, वो आप सर के सर ग्राउंड में उस चीज को फिनिश कर देते हैं। साथ में अपने मुंह में जैसे आप सर ने बोला कि डेयरी मिल गया कुछ रखे तो मुंह उससे सूखेगा नहीं। मैंने सर के यहाँ पर 14 तारीख को मैं सर के पास आया था कि सर मेरा फिजिकल है, मैं कुछ कारण से पहले नहीं आ पाया था, और 14 तारीख से 25 तारीख को लास्ट ट्रायल दिया था। 11 दिन में मेरा सिलेक्शन हो गया जेल प्रहरी में। वो केवल इसलिए कि सर का आशीर्वाद, आज मेरी एज भी 35 के समथिंग है, शादी है, दो बच्चे भी है मेरे, लेकिन फिर भी सर के आशीर्वाद से मैंने जो अचीव किया है वो मैं ही जानता हूँ, और सर की रिस्पेक्ट भी मैं ही जानता हूँ कि यार सर ने जो किया है। बस ये है, इस ग्राउंड से मैं एक ही चीज़ चाहूँगा कि इस बार सिलेक्शन हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो सर का आशीर्वाद रहा तो वो भी हो जाएगा। धन्यवाद। मेरा नाम अश्विन शर्मा है, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैंने कोई पहले से तैयारी नहीं की थी, रिजल्ट आने के बाद से ही मैंने दौड़ना स्टार्ट किया था। अच्छा था, मस्त वजन हो रहा था मेरा, पेट टायर वायर निकले हुए थे। सर जो भी हुआ है सर के मार्गदर्शन में हुआ है, 1.5 महीने में रनिंग निकली है। टाइमिंग स्टार्ट किया था 3:12 से मेरा टाइमिंग स्टार्ट हुआ था, और हर ट्रायल से 5-5 सेकंड करते करते मैं लास्ट में 2:53 पर आया था। लास्ट ट्रायल में मेरा 2:53 रहा था और वहाँ पर मैं 2:45 मार कर आया हूँ। तो जो भी यहाँ पर 2:55 के ऊपर भी है आराम से वहाँ पर उसको निकल जाए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो भी अभी फिलहाल नए बंदे हैं जो RPF वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, बस सर पर विश्वास करें, सर पर भरोसा करें, और अपने आप पर विश्वास करें, और बस सर के इंस्ट्रक्शन फॉलो करें। वर्कआउट जो पूरा रहता है 24 मिनट 40 मिनट सर जितना बोलते हैं, दौड़ना है बिना रुके, और विश्वास करना है बस अपने आप पे, सबकी रनिंग निकल जाएगी, बस सर पे भरोसा रखें। तो लास्ट में ओपी सर।